सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है एंड सुबह होते साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम भी हो चुका है, तो अपन लोग सुबह सुबह से ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं किए क्योंकि यार समझ ही नहीं आ रहा था ब्लॉग में क्या करना, क्या बनाना, क्या ब्लॉग करना, तो बस सोचते विचारते इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब चलो चलेंगे घर साइड, देखेंगे उधर का क्या कैसा है। बाकी अब तो घर का जो माहौल है तो काफ़ी मस्त हो चुका है, बिकॉज भाभी लोग भी आ चुके हैं एंड अपने ऋतिक लोग भी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो काम का अपने ऊपर जो भार रहता था वो सब कम हो चुका है। सब ना वही घूमो भागो खाओ पियो हो गया। बाकी आज रात में सोच रहे हैं कि चलेंगे अपन लोग गेहूं कटाने के लिए खेत साइड। सो तो नाइट का सीन है, फिर देखेंगे नाइट में क्या होता है। और आज तो ट्यूसडे भी है तो साथ ही साथ मेले भी रहेंगे भाई, तो नाइट का काम है, नाइट में देखेंगे क्या होता है। फिलहाल चलेंगे घर। सुबह लोग भी नहा वहा के एकदम आ गए हैं, बस खाना खाने का टाइम है अब एंड साथ ही साथ मम्मी भी आ गए हैं खेत की गेहूँ की कटाई करके। यहाँ पर बुआ जी के साथ बैठे हैं, तो अब चलेंगे अपन लोग भी नहाने धोने के लिए। देन इसके बाद भाई खाना पीना खाओ, फिर देखेंगे फिर क्या होता है। बाकी अभी तो अजीत लोग गए हुए थे अपना सरसों को लेके फिर आने के लिए, फिर वो लोग लौटे उधर से तेल वेल लेके। फिलहाल अभी तो फ़ोन लगाया था कि यार आएगा तो जब भी, उससे यहाँ पर रखा हुआ है भूसे का बड़ा सा झाड़, फिर उसको भी अंदर रखवा लेंगे। वह दार लौटे तो दो तीन ठे मनाई हुई पीटा तरह बढ़िया तेंद रहा है, लागे के खा ली पे 5 बजे निकलें तो वहाँ से अब यहाँ बहुतों का टाइम लागत था यार। यहाँ पे अपना ऋतिक बाबू नहाने के लिए जा रहा है क्योंकि अब दोपहर भी हो चुकी है। और ये देखो बिटिया को, ये सुबह से खाना शुरू करती है तो दोपहर में भी शाम में भी नहा के खाते हैं। हमारी से आए वैसे ये बता रही, यहाँ पे मेरा खाना रखा हुआ है तो पहले ये खा ले, फिर अपन लोग नहा के खाते हैं आराम से। टपड़ी टपड़ी और खाई थे, खा ले होते अपन। खाने में आज वही बस है, चावल करी एंड फिश, तो अपने काम की तो है नहीं, फिश बस यही दोनों है। तो गाइस पूरा मतलब डे में नहा होने के बाद पूरा मतलब टाइम अकेले से बोल रहा है ना, जो पूरे टाइम में वेस्ट करने के बाद सोने के बाद अपन लोग निकल चुके हैं बस वही मंगली मार्केट साइड, इधर घूमने भागने के बाद देखेंगे फिर नाइट का सीन क्या होता है। बाकी अभी तो सनसेट होने ही वाला है। नाइट में ना मंगली मार्केट से लौटने के बाद अपन लोग बस वही चाचा जी के यहाँ डिनर उनर किए सभी लोग, फिर इसके बाद बस यही आके अपने घर में सो गए। तो उतना मतलब मेरे को याद ही नहीं है ब्लॉग एंड करने के लिए, तो आज फिर से कर रहा, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी अपन लोग मंगली मार्केट में शर्ट वगैरह खरीदे थे जो कि मैंने इसमें वीडियो में तो दिखाया नहीं, वो कब दिखाऊंगा जब मैं उसको पहनूंगा अजीत के शादी में, तभी आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो भी सेट के साथ। अभी एक एक दिखाना उतना मतलब बेकार बेकार सा लगता है एंड अनफिट भी लगता है, तो पहनने के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। इस बार होगी आज का ब्लॉग पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए और हम आपसे मिलते हैं अगली ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।